हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जस्टफुल क्लासेस। और आज बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड में आने वाली एक महत्वपूर्ण कहानी जिसका नाम है पंचलाइट। पंचलाइट यानी ललटेन। आज हम लोग ललटेन की कहानी सुनने वाले। और सच बता रहे, इतना सरल शब्दों में आपको ये कहानी सुनाएंगे ना कि आपको ये कहानी सुनकर भी मजा आएगा और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये याद हो जाएगा ना तो आप आसानी से एग्जाम में लिख पाओगे। और ये आपको दिलाएगा 5 नंबर, यानी 5 नंबर की कहानी मात्र 10 मिनट में आज निधि मैम आपको दे कर जाएंगे। शुरू करें कहानी, तो आइए, इंतजार किसका करना है तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन कहानी को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आप लोग ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस और आपके बोर्ड के एग्जाम के इम्पोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो सारी चीजें आपको हमारे चैनल पे प्रोवाइड हो जाएंगी। तो प्लीज लाइक करो और शेयर जरूर करना दोस्तों के साथ। आइए, सबसे पहले देखो, जब भी कोई मूवी देखने जाते हो तो मूवी में क्या होता है, एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है, एक विलन होता है, कोई साइड वाइड के भी रोल होते हैं, कोई हीरोइन की सहेली तो हीरो का सखा, ऐसे मिल जाते हैं ना। बस वो चीज आपको याद रखना, इस कहानी में भी कुछ पात्र है। हीरो का नाम है गोधन, हीरोइन का नाम है मुनरी और विलन का काम कर रही है उनकी माई। कौन? गुलरी काकी। ठीक है, सरदार जी है और कनेली, कहीं कहीं कनेली को कनेरी के, ये लोग साइड रोल वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, प्रमुख पात्र हैं। अब शुरू करते हैं आज की पंचलाइट कहानी। याद रखना, ये कहानी आपको बता दी यूपी बोर्ड में, अगर स्टोरी की बात करें 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, यानी हर साल ये सवाल आ रहा है। अगर इसको तैयार नहीं किए ना तो 5 नंबर अपना तुम लोग क्या कर रहे हो, छोड़ रहे हो। तो इसीलिए इसको पूरा सुनकर जाना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कहानी पंचलाइट पर आधारित है। पंचलाइट का मतलब होता है ललटेन। ठीक है, पहले के समय में ना, जैसे आज भी क्या होता है, हम लोगों के पास, जैसे मान लो गाँव में लोगों के पास मोटरसाइकिल है, कार नहीं, तो अगर पूरे गाँव में एक लोगों के पास कार आ जाती है तो उसका भाव बढ़ जाता है, आये हाय मेरे पास कार है, और लोगों की नजरिया भी बदल जाती है, अरे उसके पास कार है, बहुत बड़ा आदमी है, ऐसा सोच बन जाता है ना। वैसे ही इस कहानी में है। ये कहानी फणीश्वरनाथ रेणु जी की एक आंचलिक कहानी है। इसको लिखा किसने था, फणीश्वरनाथ रेणु ने लिखा था, जिसमें बिहार के एक पिछले गांव के प्रवेश का सुंदर चित्रण किया गया। अपने बोर्ड के एग्जाम में कैसे लिखोगे, इसी तरीके से कि पंचलाइट फणीश्वरनाथ रेणु जी की लिखी हुई एक आंचलिक कहानी है। इस कहानी में उन्होंने बिहार के एक पिछले गांव के प्रवेश का क्या किया, सुंदर चित्रण किया। उन्होंने बताया कि महतो टोली, एक टोली का नाम है, नाम याद रखना, महतो टोली में अशिक्षित लोग, अशिक्षित का मतलब बिना, जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं है, ठीक है, अशिक्षित लोग है। उन्होंने राम नवमी के मेले में पेट्रोमैक्स, पेट्रोमैक्स का मतलब वही ललटेन, ललटेन खरीदा, जिसे वे पंचलाइट कहते हैं। पेट्रोमैक्स को ही गांव वाले क्या कहते, पंचलाइट कहते। पंचलाइट को यह सीधे साधे लोग सम्मानजनक समझते, उनको लगता है हमारे गांव में पंचलाइट है, इसका मतलब हमारा गांव क्या है, एक विकसित गांव है। ठीक है, तो गाँव में जैसे हमने बोला ना कि छोटी सी चीज आ जाती तो बहुत बड़ी बन जाती है, जो लोग देखे ना हो, वैसे पूरे गांव में कोई आज तक ललटेन नहीं देखा था। अब रामनवमी से क्या आ गया, पंचलाइट खरीद कर आ गया, तो लोगों में क्या एक सम्मान बढ़ गया, अरे हमारे गांव में तो पंचलाइट आया है। ठीक है, तो पंचलाइट एक सम्मानजनक चीज है जिसको देखने के लिए टोली के बालक, औरतें और मर्द इकट्ठा हो गए। जब भी कभी मान लो गाँव में मदारी वाला आता है, देखते हो पूरा गाँव वाले लोग इकट्ठा हो जाते देखने के लिए, घरों से लड़कियां, लड़के, बच्चे सब निकल आते हैं उसको देखने के लिए। उसी तरीके से जब उस गांव में पेट्रोमैक्स यानी पंचलाइट खरीद कर लाया गया तो पूरे गांव वाले इकट्ठा हो गए, क्या करने के लिए, उसको देखने के लिए। ठीक है, और पंचलाइट को देखने के लिए सभी लोग इकट्ठा हो गए। सरदार अपनी पत्नी, जो वहां का, जैसे अभी के समय में क्या है कि अब आपका खत्म हो चुका है धीरे धीरे, पहले के समय में गांव और कस्बों में सरदार बनते थे, जो लोग क्या करते थे, प्रमुख होते थे, जो हर चीज का फैसला लेते थे। तो सरदार जी ने अपनी पत्नी को आदेश देते हुए कहा कि शुभ कार्य करने से पहले पूजा पाठ कर लिया जाए, पंचलाइट को जलाना है उससे पहले क्या हो जाए, पूजा पाठ कर लिया जाए। सभी लोग उत्साहित थे, पूजा वूजा हो गया, लेकिन
एक रिस्क, वो क्या कहते हैं, कहानी में ट्विस्ट। जब तक फिल्म में ट्विस्ट नहीं आता मजा नहीं आएगा ना, वैसे ही इस कहानी में भी ट्विस्ट आ गया, पंचलाइट खरीद कर आ गया, पूजा पाठ भी हो गया, लेकिन ट्विस्ट क्या है, एक समस्या है कि वहां पर पंचलाइट जलाएगा कौन, क्योंकि पंचलाइट जलाने के लिए सीधे साधे लोगों को पता ही नहीं था। यानी वो तो लोग बड़े सीधे साधे, उनके लिए नई चीज है पंचलाइट, पेट्रोमैक्स, उनको जलाना ही नहीं आता। पूजा पाठ तो हो गया, खरीद कर भी आ गया है, लेकिन सवाल इसको जलाएगा कौन। तो उसी टोली में एक गोधन नाम का युवक, अब आता है हमारे हीरो की बात। अब कहानी किस पर आ चुकी है, हमारे हीरो यानी गोधन पर। गोधन उसी गांव में रहता था जो कि गांव की मुनरी नामक लड़की से प्रेम करता था। यानी वो क्या करता था, एक गांव की मुनरी नाम की लड़की, यानी हीरोइन की बात कर रहे, वो हीरोइन से करता था प्रेम। मुनरी और गोधन का भैया चक्कर चल रहा था, आगे बढ़ेंगे तो। लेकिन विलेन कहा जाता है ना, प्यार के दुश्मन हाय हाय। तो अब हीरो हीरोइन आसानी से तो नहीं ना मिल सकते, बीच में विलेन भी तो होना चाहिए। तो विलेन थी मुनरी की अम्मा। मुनरी की माँ ने पंचों से पहले से उसकी शिकायत कर रखी थी, क्या कि वह घर के अगल बगल से गुजरता है और सिनेमा का गाना गाता है, इसलिए पंच ने उसको गांव निकाला, घोषित कर दिया, यानी उसको अपने जाति से अलग कर दिया। उन्होंने कहा कि हमको ऐसे लोग नहीं चाहिए जो क्या करते हैं, सिनेमा का गाना गाते फिरते हैं लड़कियों के लिए, ठीक है। इसी कारण पंचों ने उसको क्या किया था, जाति से निकाल रखा था। लेकिन मुनरी को पता था कि गोधन ही वो इंसान है जो क्या कर सकता है, पंच लाइट को जला सकता है। इसीलिए उसने पूरी चतुराई से यह बात किसको, अपने पंचों तक पहुंचा दिया, ठीक है। उसने दिमाग लगाकर जो सरदार की बेटी थी कनेरी उसको बताया, वो जाकर अपने पिताजी को बताई कि हम वो जला सकता है, ठीक है। तो चतुराई से यह बात कहां तक पहुंच गई, पंच तक पहुंच गई। और पंच गोधन को बुलाते हैं, गोधन को कहते हैं कि तुम अगर पेट्रोमैक्स जला दोगे तो हम तुमको वापस से अपने जाति में ले लेंगे, ठीक है। और गोधन क्या करता है, पंच लाइट को जला देता है। अब गोधन क्या किया, पंच लाइट को जला दिया, इससे पूरे गांव में क्या हो गया, गोधन की तारीफ होने लगी, अरे वाह गोधन ने पंच लाइट को जला दिया। मुनरी की जो माँ थी वो भी क्या हो गई, जो गुलरी काकी थी वो भी काफी प्रसन्न हो गई, और उन्होंने क्या किया, दावत दे दिया किसको, गोधन जी को, कि अरे गोधन शाम को हमारे यहाँ भोजन के लिए जरूर आना। पंच ने भी उत्साहित होकर बोल दिया, क्या गोधन तुम्हारा साथ खून माफ, ठीक है, खूब गाओ सनीमा का गाना। और पंच लाइट की रोशनी में लोग क्या किए, कीर्तन करने लगे और उत्सव मनाने लगे। इस तरीके से ये स्टोरी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। तो मात्र 10 मिनट में हमने क्या किया, आपको एक बढ़िया सा कहानी सुना दिया। एक बार क्विक रिवीजन छोटे से टर्म में, देखो एक हीरो है जिसका नाम है गोधन, हीरोइन का नाम है मुनरी, इन दोनों का नाम याद रखना। अब देखो कहानी शुरू होता है एक गांव से, बिहार का महतो टोली करके एक बहुत ही छोटा सा गांव है जहाँ पर अशिक्षित लोग रहते हैं, ठीक है, ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं है। वो लोग रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स यानी पंचलाइट खरीद कर लेकर आते हैं। अब खरीद कर आए तो सरदार कहते हैं अपनी पत्नी को कि इसको जलाने से पहले पूजा पाठ कर लिया जाए। पूजा पाठ हो गया, लेकिन सवाल ये उठता है इसको जलाए कौन। पूरे गाँव के लोग इकट्ठा हो गए थे पंचलाइट को देखने के लिए, लेकिन किसी को भी जलाने नहीं आता। फिर जो हमारी क्या रहती है, गोधन की प्रेमिका मुनरी रहती है, उसको पता रहता है कि वो गोधन जला सकता है पंचलाइट। तो उसने बड़े ही चालाकी से सरदार तक इस बात को पहुंचा दिया कि गोधन को जलाने आता है। गोधन को जो पंच थे पहले से सजा दे चुके थे, जाति का निकाला, यानी उसको जाति से निकाल दिए थे, क्योंकि जो हमारी मुनरी की अम्मा थी वो शिकायत की थी कि ये सिनेमा का गाना मेरे घर के सामने आकर गाता है। लेकिन जब पंच को पता चला कि गोधन को जलाने आता है, गोधन पंचलाइट को जला सकता है, तो उसको बुलाया गया और कहा गया अगर तुम इसको जला देते हो तुमको वापस से हम अपनी जाति में ले लेंगे। गोधन ने जला दिया। अब जैसे ही गोधन ने जलाया, पूरे गांव में कह सकते रोशनी फैल गया, लोग उत्साहित हो गए, सारे लोग खुश हो गए, और हर जगह पर गोधन का क्या होने लगा, वाहवाही होने लगा। जो हमारी मुनरी की अम्मा थी वो भी बहुत खुश हो गई, उन्होंने अपने घर पे उसको शाम को दावत के लिए बुलाया कि आना जरूर खाना खाना। और जो हमारे सरदार थे पंच थे वो लोग इतने खुश हो गए, उन्होंने कहा गोधन तुम्हारे साथ खून माफ, तुम अब आराम से सिनेमा के गाने गाओ। इस तरीके से क्या हो गया, गोधन ने पंचलाइट को जला करके पूरे
महतो टोली को उजाला से भर दिया, लोग उजाले में कीर्तन करने लगे, सभी लोग उत्सव मनाने लगे। इस तरीके से ये चैप्टर, ये कहानी यहीं पर कंप्लीट होता है। इसी तरीके से आपको सभी जितनी भी कहानियां हैं उनको छोटे से एक कम से कम समय में उनको खत्म करेंगे बढ़िया तरीके से आपको समझा कर। इसीलिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में।